नहीं, एक महिला है, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि कुछ दिनों पहले दो लोगों ने उनसे फिरौती के रूप में कुछ पैसे मांगे, जिसमें उन्होंने 4 लाख रुपए उनको दिए। बाद में जब पुलिस ने इसमें तहकीकात की तो सीसीटीवी फुटेज देखी और भी चीज़ें की, तो ये पता लग के आया, उनसे बातचीत की, उनको विश्वास में लिया, तो ये पता लगा कि इन्होंने कम से कम 8-10 लोगों से विभिन्न जरियों से काफ़ी उधार ले लिया था और उस उधार से वो अपने दैनिक खर्चे और इस तरह की चीज़ें करती थी। बाद में ये पता लगा कि उनको जब उन पे पैसे चुकाने का दबाव आया तो उन्होंने ये सोचा कि घर में जब पैसे रखे हैं उसी पैसे से मैं इनको उधार चुकता कर दूँ। बाद में उन्होंने वो 4 लाख रुपए अपने घर में से ही गायब कर दिए और उसको अपने ही घर में छुपा दिया। जब इनके और चीज़ें जो निकल के सामने आई हैं उसके आधार पर महिला से बातचीत की गई, महिला ने ये स्वीकार किया कि हाँ, पिछले 1 साल के दौरान काफ़ी लोगों से मेरा उधार हो गया था, मैंने काफ़ी उधार लिया था और उस उधार को चुकता न कर पाने के कारण ही मैंने ये सब जो साजिश थी ये रची कि भाई इनसे पैसा मैं उधार कर लूँ। और ये पैसा उन्होंने बाद में फिर अपने पति को बताया कि ये पैसे मैंने जो गायब किए थे मैंने ही गायब किए थे, तो ये उन्होंने स्वीकार किया है। ये पैसे का क्या किया था, क्या शॉपिंग? पैसे से ये अपने जो खर्चे हैं चलाती, जैसे कि मान लो कोई कपड़ा, अपने सूट खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए या अन्य कोई जरूरी चीज़ें वो खरीद ली और ये पति से छुपा के करती थी, इस वजह से इन्हें उधार लेना पड़ता था। मतलब शॉपिंग करने का शौक था इनको, नई नई चीज़ें खरीदने? शौक तो नहीं था इस तरह से, लेकिन विभिन्न जो दैनिक जो साजो सामान जो चीज़ें होती हैं, कपड़े खरीदना या अन्य कोई छोटी मोटी चीज़ें, ये बिना पति को बताए हुए करती थी, तो इस वजह से ये उनको उधार लेना पड़ता था। क्या विवाद कोई नहीं था, लेकिन ये पति से खर्चा नहीं लेती थी और इस तरह से अपना खर्चे चलाती थी। FIR लिखाने का ये मोटिव था कि जब इन्होंने पैसे ले लिए, उसके बाद जब पैसे घर से गायब हो गए, इन्होंने पति को बताया, तो ये चीज़ सामने आई कि जो 4 लाख रुपए ये कहाँ चले गए, तो वो 4 लाख रुपए कहाँ गए ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये FIR लिखवानी पड़ी उनके द्वारा, ये बताया गया। तो ये पैसे घर में ही बरामद? हाँ, ये पैसे घर में ही बरामद हुए। उन्होंने जब बात की तो उन्होंने घर में किचन में अपने पैसे रखे हुए थे और सारे पैसे घर में रखे हैं। क्या नेट से और दूध वाले से पैसे दे रहे थे आप, ब्याज पे लिए थे ऐसे? हाँ, ये बता रहे थे कि इन्होंने जैसे धोबी और जो छोटे मोटे जो घर में काम करते हैं या कोई दुकान है आसपास की, उनसे इन्होंने 8% ब्याज पे काफ़ी पैसा उधार ले लिया था और वो लगभग ब्याज सहित मिला के 3-4 लाख रुपए के आसपास इनका एक साल में उधार हो गया। क्या किया जा रहा है इस महिला के खिलाफ, क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल अभी महिला से बातचीत की है और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।